हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पवार ब्रदर्स। तो दोस्तों कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपनी फिल्म हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आवाज़ का थोड़ा इशू है यार, आवाज़ गला तुम्हारे भाई का बैठ चुका है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी, कोई बात नहीं। 9426 जाखड़, समझ गए होंगे किस भाई की गाड़ी है। तो भाई आ जाओ, क्या हाल है? मज़ा आ रहे हैं? एकदम मौज है। तो भाई हाँ, तो भाई कैसे हो? मौज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम भी बढ़िया भाई। तो भाई एंडेवर आज करेंगे। आप दोस्तों सीधी मुद्दे पे आऊँ मैं, और एंडेवर गाड़ी का ओनर से प्रीव्यू बाय मिस्टर जाखड़, जिनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और वो जो टैग है उस पर क्लिक कर दो, पहुंच जाओगे भाई के चैनल पे। हाँ तो भाई सीधा आते हैं एंडेवर पे। तो यार अब एक बात होता हूँ, मेरा वही पुराना वाला क्वेश्चन है। मैंने इसकी एंडेवर की बहुत उड़ाई थी पहले, आपने वीडियो देखी होगी तो, हाँ कि भाई ये 10 लाख 15 लाख में बिकेगी आने वाले 6 महीने में, कि फोर्ड चली गई है। तो अब 6 महीने हो गए, अब क्या कहना आपका कि क्या रेट होंगे गाड़ी के? लेके दिखाओ 10 लाख लेके दिखाओ 10 लाख। अरे वाह, अभी एक भाई और है, अनमोल भाई भी है, हाँ, जिनने एंडेवर ली है, हाँ भाई 30 लाख रुपए में लिए, 3.2। 30 लाख बढ़ चुकी है भाई, अफीम हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल 3.2 तो अफीम ही है। हाँ, 2 लीटर तो चलो जिनको स्पीड नहीं पसंद वही ले रहा है। हाँ, जैसे मेरे जैसे आदमी भोले भाले से जिन्हें पसंद ना है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बोले। हाँ, 3.2 अफीम हो चुकी है भाई, एक्सीडेंटल भी लेने को तैयार है अगर मतलब ठीक ठाक बन जाए। पहली बात तो भाई कोई बेच ही नहीं रहा गाड़ी को। मैंने भी जैसे मेरे चाचा को चाहिए थी एंडेवर, तो मैंने थोड़ी देखी कि मेरे को लगा कि 15-16 लाख में मिल जाए, 17 में मिल जाए, 18 में मिल जाए, ना मिली भाई 27-30-33 लाख, मतलब ये प्राइस चल रहे गाड़ी के। क्योंकि सबको वैल्यू को पता है ना। हाँ, उस टाइम जब चली गई थी लोगों ने सोचा कि ना सर्विस मिलेगी ना कुछ, बेच दो फटाफट। लेकिन अब सब कुछ मिल रहा है, जिनने सबर कर लिया उनकी बच गई, क्वालिटी है फॉर्च्यूनर। ऐसा है शेवरोले थी। हाँ, उसकी भी 2-3 साल तक तो रही थी। हाँ, क्या पता उसके बाद चली जाए। शेवरले जैसी जो कंपनी इंडिया में जिस लेवल पे नहीं जम पाई, बाहर बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इंडिया में फोर्ड के लेवल की नहीं थी। तो जो लेवल है ना फोर्ड का और जो क्वालिटी है गाड़ी की, वो मिसमैच्ड है भाई, मतलब बिल्कुल कहीं और मैच हो नहीं पाई। भाई कितने साल हो गए गाड़ी को आपके पास? 2 साल होने को आ रहे हैं। 2 साल तो आपने सारी घटी बड्डी सारी सब कुछ जान चुके हो गाड़ी के बारे में। तो एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, जो टाटा है वो टाटा की उड़ा रहे कि टाटा एंडेवर को लेगा, आपको क्या लगता है कि टाटा जैसी कंपनी एंडेवर को झेल पाएगी एज ओनर? टाटा झेल तो पाएगी, पर मुझे सर क्वालिटी में दिक्कत लग रही है ना, हो सकता है मेंटेन ना, फोर्ड के बराबर शायद ना कर पाए। मतलब जो आगे गाड़ी बनाएगी ना, अब तो जो बन गई हाँ, सर्विस में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आगे नई गाड़ी बनाएगी ना, हाँ, उसमें देखो क्या पता हॉच पॉच कर दे, है ना, थोड़ा सा डाउट है भाई। डाउट है मेरा भी था। और यार जो फोर्ड जो यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे टाटा लिखा आएगा ना, कती ना जावा आपको पता है फोर्ड चलेगी, लेकिन फिर भी आप फोर्ड की गाड़ी लेने चल रहे हो, ये क्या सीन है? मुझे मस्टैंग पसंद आ गई ना भाई, इंडियन स्पोर्ट्स कार है, मतलब एक अच्छे मेंटेन। मैं लेने गया था बेंटले, 95 लाख रुपीस की मिल रही थी, बीबीटी पे खड़ी थी। हाँ, पर फिर मैंने ये सोचा, मैं कहा यार उसको मेंटेनिंग में दिक्कत आएगी। हाँ, फिर मैंने कहा, मैं कहा मस्टैंग की सर्विस भी बढ़िया है और ऊंची की ऊंची है। हाँ, और मेंटेन भी हो जाएगी। हाँ, और पर्पस मेरा यही था कि मेरे को यूट्यूब का प्रोफेशन है, तो मैं कहा चलो थोड़े दिन के लिए ले लेते हैं, तो उस हिसाब से ले रहा था मैं। फिर बात बनी नहीं फिर गाड़ी की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई ये अब अलॉय पे आते हैं, इस गाड़ी के कितने इंच है भाई? 22 इंची है। 22। तो भाई अलॉय ना मेरे चैनल पे बहुत कंट्रोवर्शियल है। कैसे? मतलब देखो सब्सक्राइबर भी मेरी फैमिली ही है सारे। हाँ, अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, मेरे को शुरुआत से ये डिजाइन पसंद है। जब मैंने लिए ना, तो फोटो में ये इतने समझ में नहीं आ रहे, मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ, ये दिख जाए ढंग से समझ में आ जाए। हाँ, लोगों को आ नहीं रहे, बहुत कम लोग। भाई रियलिटी बताओ, भाई बैठा गाड़ी में, हम थे आप आए, मगर गाड़ी लग रही है, लग रही है, लग रही है। हाँ, रियल में जब देखते हो ना लग रही है। हाँ, और मेरे को एक पर्सनली पसंद थे। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर की पूरी वैल्यू करता हूँ, पर भाई देखो मेरे को यही अलॉय पसंद है और ना मैंने बदल ना ना आप बदलने की जरूरत ना भाई, अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं भाई। इन पे काफी लोगों ने कहा टायर स्टिकर लगा लो, पर मैं कहा जो लुक है ना टायर स्टिकर वाली ना मजा नहीं आएगा।
क्योंकि भाई ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है उस टाइप की, समझ रहे हो ना। अभी ये बिल्कुल जेलअप हो चुका है, बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं लग रहा बाहर से कुछ है, ऐसे कुछ है। हाँ, और भाई गाड़ी में बाहर से आपने क्या क्या काम करवाया? लगी हुई है बॉडी किट, ये देखोगे सामने बम्पर के ऊपर ही, बम्पर कंपनी वाला लगा हुआ मेरा। हाँ, उसके ऊपर ये चिपकी हुई है। हाँ, इसके अंदर अपनी वो है सिलिकॉन और पेच वगैरह से प्रॉपर सेटिंग बैठी। भाई फिर ये कंपनी से कराया था बाहर से? ये मैंने करवाया था बाहर से, करवाया था बाहर से। कितने का कुछ खर्चा आ गया था? 65,000 रुपए का लगा था। ये वाटर बेस्ड पेंट है, थिनर बेस्ड वाला नहीं है। अच्छा, तो ये फिटिंग हुई थी मेरी आगे और पीछे। भाई कोटिंग वगैरह करा रखी गाड़ी पे? सेरामिक कोटिंग हो रखी है गाड़ी पे, सेरामिक कोटिंग और जो ये पेंट वाला काम है सारा एक ही जगह से हुआ है मेरा। मैं वाटर बेस्ड ही प्रेफर करता हूँ, मतलब बहुत बढ़िया दुकान है, हाउस ऑफ पॉलिश है। अगर ठीक लगे तो डाल दे। भाई अब मेरे को सलाह दो इस चीज के बारे में, क्योंकि यार अब हाँ। सलाह तो भाई है, मैं कह रहा हूँ घर वालों, क्योंकि मेरे घर में ना 3 एंडीवर है, मतलब रिश्तेदारों में, जैसे बिजनेस पार्टनर के पास भी है, उनने मेरी बात मानी नहीं, वे सस्ते में डिटेलिंग डेवल पे जाके करवाया। हाँ। अब उनकी गाड़ी ऐसे लग रही थी 10 साल पुरानी है। उनकी हेडलाइट ऐसे हो चुकी, बहुत स्क्रैच और बहुत गंदी, मतलब डल हो चुकी। हाँ, बेकार। हाँ, तो जैसे आपकी वो खिड़की हो रखी है ना, ऐसे उनकी हो रखी है, और वो सिरेमिक कोटेड गाड़ी है। भाई 3 महीने हुए हैं, अब कल ये मैंने वॉश करा ली तब थोड़ी ठीक लग रही है, बाकी तो इस पे सिरेमिक का बहुत फायदा रहेगा। हाँ, देखो वो थोड़ा प्राइस ज्यादा लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो भाई चीज देगा तो प्राइस तो लेगा ही। और एक बात देखो ना यार, देखो जितना मेरा मन है, जो आदमी रोल्स रॉयस को पेंट कर रहा है ना, उस आदमी में कुछ तो क्वालिटी होगी। अच्छा, रोल्स रॉयस को पेंट कर रहा है वो? रोल्स रॉयस पे फरारी, मतलब जितने भी ये हाई एंड कार्स है ना, सारी उसके पास आती है बॉडी किट्स लगने के लिए। फरारी में बंदा बॉडी किट लगाता है, ₹17,000 बुकिंग पे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब करते हैं। 17,000 रुपए में ले आया, 17,000 रुपए में लाइट लिया। लाइट लिया। अच्छा चलो अंदर आ जाओ भाई, अंदर देखते हैं क्या सीन है गाड़ी का। अंदर तो मेरे ख्याल से तो भाई कोई काम नहीं करा रखा है, करा रखा है कुछ अंदर से, सिर्फ और सिर्फ एम्बिएंट लाइट है जो कि रात को ही दिखेगी। हाँ यार, दिन में तो इनका कोई वो नहीं है, दिखेंगी नहीं है, रात को ही दिखेंगी, बाकी दिन में थोड़ा सा आउटपुट दिख सकता है। एक साल तक बढ़िया फिटिंग थी, अब थोड़े से ये डल हो गए तो ये चेंज कराऊंगा। गाड़ी कौन सी, मतलब मॉडल कौन सा है ये? है 2020 और रजिस्टर्ड 2021। 2020 टाइटेनियम? हाँ, टाइटेनियम टॉप मॉडल। तो भाई फॉर्च्यूनर थी आपके पास? वो भी है। हाँ, नहीं है वो जैसे। तो एंडेवर पे क्यों गए आप भाई? जब तो भाई जैसे 2 साल हो गए गाड़ी को, कमी क्या है गाड़ी? कमी गाड़ी में देखो, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, पर वो वायरिंग जो भी है ना, वारंटी में सब चेंज हो रही है, मतलब कंपनी बंद होने के बाद भी मेरी वारंटी में बैटरी चेंज हुई थी, अब मेरा वारंटी में ना ये साइड मिरर चेंज होंगे। ये देखो, ये अपने मन मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, अब मैंने फोल्ड के लिए कर रहा हूँ, अभी ये चल नहीं रहे, और ये जब चल जाएंगे बाद में, अभी ये मेरी बात हो रखी है वारंटी में, ये चेंज होंगे। मस्टैंग जैसी जब मैं लेने गया था, मस्टैंग तो मेरी कंपनी में बात करी थी, कह रहा भैया बिंदास ले आओ, धड़ाधड़ पार्ट आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसके पार्ट्स की कोई कमी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मिलता है, वैसे तो कोई दिक्कत आई नहीं। पहली दिक्कत यही है ऐसी इलेक्ट्रिकल की, और कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। बैटरी की भी तो चलो यूं आई थी, क्योंकि तब ना मैं एक्सेसरी लगवाई थी ना, तो उसने वायरिंग उल्टी सीधी लगा दी थी। अच्छा। तो वो बैटरी खराब हो गई थी। हाँ, वो कर देते हैं यार, गाड़ी में दिक्कत ना, बाहर अगर कुछ भी काम करवा ये दिक्कत आती है, फिर बस एक ये है, ये वारंटी में चेंज होंगे, ये देखो क्या चक्कर है इनका। ये भाई सीट कंपनी फिटेड है? सीट कंपनी फिटेड सीट है। कवर लगवाने का मेरे को ना, मैंने शुरुआत में लगवाए थे अपनी गाड़ी में, वो गर्मी में दिक्कत करते हैं। अच्छा, और गर्मी में तो भाई जो थार है ना, मैं लगाऊंगा ना, ना जो ये छत है इसकी, भाई भड़क जाओ, बहुत बुरा हाल है इसका। अगर इस चीज में भी आ जाती ना तो भी बहुत फायदा था। एसी इसके कूलर जैसे होंगे ना? एसी ठीक वाले के तो थे ना, इसके ठीक है एसी, मतलब अब इस टाइम पे ना 10 मिनट में गाड़ी को ठंडी करता है, आवाज बहुत करते हैं। और पहले उस फर्स्ट उस लगा देंगे ना, तो मतलब बेकार है, मतलब है नहीं थार है, तो वही नहीं थार ही है, कार ना है, देसी थार रहा है, देसी थार रहा। तो थार लेने का प्लान बन रहा है सर का? सोच रहा हूँ, पर भैया देखो यार, एंडेवर के बाद एसयूवी, हाँ भाई ना, एसयूवी तो है मेरे पास, और फिर अगर उसे लेता हूँ तो फिर उसका यूज क्या है? अगर यूज वैलिड हो जाता है, दिमाग में डिबेट चल जाती है, तो ले लेंगे, नहीं तो फिर भाई वैसे 15 लाख रुपए में ना टक्कर तो देती है। देखो मैं जैसे थार चला रहा हूँ, उतनी ऊंची है, उतनी ऊंची वो है, 4x4 ही है, 4x4 ही है, सनरूफ वगैरह दो चार चीजें छोड़ के, छोड़ दिया, मतलब भागने में भी काफी है, ठीक ठाक भागने में इससे आगे जाएगी, एंडेवर से आगे जाएगी। यार मैंने अपने दोस्त की से रेस की थी, उससे हार गई थी। हार गई थी? हाँ। फिर मेरी नॉलेज कम हुई क्या? हाँ, हार गई थी पता, और हारी भी थोड़ी बहुत ना,
बहुत ही हारी पीछे था उसके, 2 लीटर थे भाई। अच्छा ट्राई रेस करी मैंने अपने मेरे दोस्त के पास, एक पास स्पोर्ट्स में लगा के, स्पोर्ट्स में लगा के मतलब वीडियो देख रहा हूँ मैं, डाल दूंगा दोस्तों, एंडेवर से हार गई थी सर। फिर मैंने केपेबिलिटी चेक नहीं करी होगी इसकी ढंग से, ये एक दो से लेजेंडर से ट्राई रेस करती उससे हार गई थी और अज्जू वाली से भी हार गई थी। अच्छा तो भाई एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? एवरेज अलॉयज लगने के बाद हाईवे पे 12 की है सच में, 12 की दे 900 किलोमीटर चली है जैसलमेर नॉन स्टॉप गई है, पर डिपेंड ये भी करता है कौन से फ्यूल पंप से दिलवा रहे हो, जो काट रहा है फ्यूल पंप वाला उससे फिर कम चलेगी, जो नहीं काट रहा उससे ज्यादा चल जाती है। मैंने अपने दोस्त मतलब जैसे अब सोन यहाँ लोकल में गुड़गांव में लोकल में भाई अगर मैं चला रहा हूँ ना तो इसकी एवरेज में 8-8.5 भी टच कर देता हूँ क्योंकि मेरा पंजा हल्का है। अच्छा हाँ कल मेरे दोस्त ने चलाई थी वो उसने गिरा दी है 7.2 नहीं तो मैं 8.5 की इसके ऊपर रखता हूँ। अच्छा इन अलॉयज पे और कंपनी फिटेड थे उनमें तो मैं 9.5-10 तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा अगर कम फिर थार भी अपने इतने की दे रही है भाई 9-10 की यही एवरेज है इनकी 4x4 की यही रहती है। यूज किया 4x4 कभी कहीं फसाई वसाई हो? बहुत यूज, अभी जैसलमेर गए जब मैं तो लोकल में भी यूज कर देता हूँ कई बार। अच्छा जैसे ये किसी डिवाइडर पे चढ़ानी होती है तो क्या करता हूँ क्योंकि एकदम से पंजा दबाओगे ना पीछे जाके लगेगी, 4x4 लो लगा के रॉक मोड लगा तो प्यार से चढ़ जाएगी और आप रेस ज्यादा दे रहे होगे चढ़ेगी प्यार से। मैंने तो कई बार अप्लाई कर रखी है। ना सही है भाई। और कोई चलो सब लोग हैं बड़ा ही पूछते हैं, मैं एक कमी पूछूंगा जो आपको सबसे गंदे लगती है कि भाई 40 लाख मैंने बेकार लगा दिए, एक कोई कमी है ऐसी? कमी? हाँ कमी। कमी तो यार सही बताओ ना। हाँ सही बताओ। सही बताओ तो है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब काफी बार मैंने सोच के देखा यार राहुल कोई तो कमी होगी। हाँ, कोई तो कमी होगी, कोई तो कमी होगी। पर फॉर्चुनर में गिनवा लो मेरे से कितनी लाखों गिनवा दोगे। हाँ, पता है मुझे इसमें ना मिलती तो ना है, मतलब जितना मुझे चाहिए ना 40 लाख रुपए देने पे। हाँ, मेरे हमें नहीं सवाल था 40 लाख रुपए देने में जो उतना मेरा वर्थ इट है। मतलब देखो स्पीकर लगवा दी, वैसे देखी जाए तो कंपनी फिटेड जो गाड़ी स्टॉक आ रही है एंडेवर वो भी तगड़ी लगा है, वो भी देखना। ये तो आपने ऊपर से भी डूपर कर दी, ये ऊपर से डूपर अलग करी है मैंने, किट से थोड़ी भारी लगेगी, ये काम थे बाहर के मगर ठीक लगेंगे, अंदर ना मैंने स्पीकर छिड़वाए उनकी कोई जरूरत नहीं है। और बाकी एम्बिएंट लाइट लगवाई थी इससे थोड़ा क्या गाड़ी ठीक सी लगती है अंदर से, बाकी कमी कोई नहीं है भाई। भाई चलो एक और सवाल है मेरा, दोनों गाड़ी आपके पास फॉर्च्यूनर एंडेवर और इनका कंपेयर भी बहुत ही है, हद से ज्यादा है इनका, आप एक चूज करो फॉर्च्यूनर या एंडेवर? एंडेवर है भाई। अच्छा जी फॉर्च्यूनर जाने के बाद? हाँ तब भी एंडेवर बिल्कुल। हमारे पिताजी अब भी कह रहे हैं आप नई गाड़ी लेंगे तो एंडेवर मुझे दे दीजिए, तू ले लियो नहीं। अच्छा अब भी नु कह रहे फॉर्च्यूनर है हमारे पास, जब भी कह रहे एंडेवर मेरे को दे दियो। तो भाई देख रहे हो लोगों का इतना प्यार है इस फोर्ड की गाड़ी से ना, सच में दिल से मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। दो दिन के लिए दी थी मैंने पापा को। अच्छा तीसरे दिन मैंने की लाओ जी गाड़ी वापस, यार क्या करेगा मैंने दे तो मैं चला दूं, मैं तो सावे ने आराम से चलाए फॉर्च्यूनर तो ट्रैक्टर पर की चलती है। ना ना सही है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी, और भाई की एक बात और मेरी कान खोल कर सुन लो सभी जो जो इस वीडियो को देख रहा है, भाई के चैनल पे जाके एक बार भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि एंडेवर की लुक कैसी लग रही है। भाई जो बोल रहे थे कि अलॉय सब्सक्राइबर्स को अच्छे नहीं लगे मेरे कहने पर एक बार बताओ यार, मैं अपने दिल से बताऊँ ना, मैं गाड़ी में अंदर बैठा था भाई लेके आ रहे थे, तगड़ी लग रही थी गाड़ी। वो क्या है ना, बात क्या है, काफी लोगों को अलॉयज पसंद होते हैं अंदर की तरफ मुड़े हुए या फिर भरे हुए, मुझे ये स्पोक में पसंद लग अच्छे लगते हैं, स्पोक वाले अलॉयज बड़े फ्लैट हो। हाँ ऐसी गाड़ी पे ऐसी गाड़ी अलॉय चले है, ऐसे अलॉय चलते हैं। हाँ वो स्कॉर्पियो पे अच्छे लगेंगे जो आप बता रहे हो ना, समझ रहे हो ना, स्कॉर्पियो पे या एक्सयूवी पे अच्छे लगते हैं वो, इनमें ऑफ रोड टायर या फिर भारी भरी सी बढ़िया ना लगे। सही वो अगर पर्पस है ना ऑफ रोड का तो ठीक है, तो कर लो ना तो बढ़िया ना लगे। तो भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप पक जाओगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।